तो मोदी जी विनाश काल विवृत बुद्धि हो चुकी है, 2024 में जाना तय है, जनता मूड बना चुकी है, इसलिए हम उनका ज्यादा जिक्र ना करें और राहुल गांधी को कुर्सी पे कैसे बिठाना है वो योजनाएं बनाए तो बेहतर होगा। संगठन मजबूत होगा तो कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी तो 2024 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जो सेवा दल का आदमी जीतने की क्षमता रखता है, क्षेत्र में मशहूर है, उसको मैं टिकट दिलाऊंगा। हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख और इस वक्त हम हैं मुंबई के विक्रोली पूर्व में, और विक्रोली पूर्व में यहां पर मुंबई कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष सतीश मनचंदा जी उपस्थित है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी, तो आइए हम सतीश मनचंदा जी से जानेंगे कि मीटिंग किस उद्देश्य से थी, पूरी जानकारी हम आपको लेकर देते हैं। तो सर, आप ये बताइए कि जो ईशान्य मुंबई जिला की कार्यकारिणी की बैठक लेनी पड़ी, इसका क्या उद्देश्य? देखिए, खाली ईशान्य मुंबई का ही नहीं लिया है, पूरी मुंबई में 6 जिला है। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि महाराष्ट्र से मुंबई अलग रखी है। सेवा दल के लिए मुंबई प्रदेश कांग्रेस सेवा दल है और कांग्रेस के लिए मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी है। इसलिए कि मुंबई जो है कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और यहाँ पर कॉस्मोपॉलिटन सिटी में सब धर्म सब जाति के लोगों को लेकर के साथ चलना है, इसलिए उनको महाराष्ट्र से थोड़ा अलग रखा है। क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में हम सब जानते हैं कि मेजॉरिटी किनकी है, मगर मुंबई में कॉस्मोपॉलिटन है। यहाँ पर जो मेरी स्टडी है, 60% से ज़्यादा लोग जो है वो विभिन्न विभिन्न जातियों के हैं, इसलिए ये अलग कॉन्सेप्ट है। अब 6 के 6 जिलों में मुझे जाकर के ये देखना है कि हर जिले में हर जाति वाला, हर धर्म वाला और हर एक्टिव कार्यकर्ता संगठन में लिया जाए। संगठन मजबूत होगा तो कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी तो 2024 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। सभी जिलों में मीटिंग हो रही है, कल बांद्रा में, उत्तर मध्य जिले में हो गई, उससे पहले उत्तर जिला में कांदेवली में हो गई, आज तीसरा नंबर इसका लगा और आज शाम को उत्तर पश्चिम जिला की मीटिंग है, कल दक्षिण मध्य की मीटिंग है, तो ये मीटिंग सब जिला में हो रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आप जब से मुंबई के अध्यक्ष बने हैं, आप भाई जगताप जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सपरा जी के साथ चल रहे हैं। बीच में हमने देखा कि आप नेशनल हेराल्ड का मामला हो या डिजिटल मेंबरशिप का मामला हो, तो आप इतनी शक्ति आपके पास कहाँ से आती है, आप इतना काम कैसे कर लेते हैं? देखिए, जो शक्ति का सवाल है वो तो आप लोग देते हैं, मेरे कार्यकर्ता देते हैं, कार्यकर्ताओं की ताकत ही तो मेरी ताकत है। अगर इंदिरा गांधी जी हर टाइम इतने बड़े प्रचंड बहुमत से जीतती थी कि कांग्रेस का पूरा परिवार उनके साथ था, सारा सेवा दल का परिवार मेरे साथ है, तो मुझे थकान महसूस ही नहीं होती, इसलिए मेरे में शक्ति आती है। अब जैसा कि चुनाव का समय है, चुनाव बहुत एकदम सर पर है, उसमें सभी पूरे कांग्रेस पार्टी के लोग उत्साहित है, लेकिन साथ में कुछ हमारे सेवा दल के भी लोग, बहुत से लोग साथी उत्साहित है कि उनको भी टिकट मिलना चाहिए, वो भी नगर सेवक बनकर वहाँ पर सदन में पहुँचे, उसके लिए आपके क्या योगदान रहेगा? बिल्कुल, हर एक को इच्छा होती है नगर सेवक बनने की। जब तक मैं अध्यक्ष हूँ, जो सेवा दल का आदमी जीतने की क्षमता रखता है, क्षेत्र में मशहूर है, उसको मैं टिकट दिलाऊंगा। वैसे तो मैंने भाई जगताप जी से बता दिया है, 36 तालुका है, मुझे 36 नगर सेवकों की टिकट चाहिए, मगर मेरे पास 36 जीतने वाले उम्मीदवार भी होने चाहिए। तो सेवा दल के कोटे से अगर कोई यूथ वाला शक्तिशाली होगा तो मैं उसको भी खड़ा कर दूंगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर इस बार सेवा दल के लोगों को जो इच्छुक होगा, जबरदस्ती किसको नहीं खड़ा करूंगा कि ले तू खड़ा हो जा। अरे जब वो चल नहीं सकता, मैं उसको रेस में खड़ा कर दूं तो मैं रेस हारने वाला हूं। हम हारने के लिए नहीं लड़ेंगे, हम जीतने के लिए लड़ेंगे। जैसा कि मेरा एक आखिरी सवाल है,
कि हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश का दौरा बहुत ज्यादा करते हैं, जबकि विदेश में हमारे देश के नागरिक फंसे हुए हैं, वो भारत आने के लिए बहुत तड़प रहे हैं कि किस तरह अपने देश में पहुंचे। तो ऐसे में देश के प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार करना चाहिए या देश के नागरिकों को बचाना चाहिए? देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने एक जाला बूंदा था कांग्रेस के नेताओं को फंसाने का, आज वो खुद उस जाले में फंस गए हैं। उनके संगठन के ही लोग उनका अंदर से विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मैं जाके आया हूं, मैं भी वहां पर प्रभारी था 262 सीट का। मैं वहां पर नजारा देख करके आया हूं कि वहां पर क्या हो रहा है। और जो प्रियंका गांधी जी ने वहां पर लड़कियों लड़ सकती और 40% जो महिलाओं को उन्होंने टिकट दिया है, आज उत्तर प्रदेश में एक घर को दो विचारधाराओं में कर दिया है। जो कट्टर बीजेपी वाले पुरुष है उनकी बीबी भी बोलते, हम तो प्रियंका गांधी का देवा हाथ का बटन दबाबा। जो सपा वाले हैं उनकी भी बीबियां बोलती हैं, मोदी का दीना, अखिलेश का दीना, हम तो प्रियंका का साथ जावा, हम तो प्रियंका का लड़की हूं, लड़ सकती हूं, हमको इंसाफ दिला रही है। हिजाब के लिए लड़ी तो अब महिलाएं बोलती हैं प्रियंका के साथ जाएंगे। वो आज हिजाब के लिए लड़ी है, कल हमारे घूंघट भी उठाएगी। आजादी किसको पसंद नहीं है मेरे भैया? तो ये परिवर्तन है। अब सवाल है मोदी जी का, मोदी जी दिशाहीन हो चुके हैं, उनको अपने घर का रास्ता नहीं मालूम, तो वो यूक्रेन से क्या लाएंगे? उनकी नीतियां कितनी उल्टी हैं। एयर इंडिया के प्लेन को उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया, जो 16,000 का टिकट था आज वो 1,00,000 का हो गया है, 26,000 से यूक्रेन से लोगों को लाने के लिए। और कांग्रेस के राज में यही एयर इंडिया के जहाज जाते थे, लोगों को मुफ्त में लाते थे, चाहे वो इराक हो, चाहे बगदाद हो, चाहे ईरान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे ब्रिटेन हो, जहां जहां ऐसे युद्ध हुए वहां वहां से एयर इंडिया के जहाज गए और लोगों को मुफ्त में लाए। और मोदी जी लोग की तो परंपरा रही है, बीजेपी की परंपरा रही है सरकारी संपत्ति की लूट करना। उन्होंने एयर इंडिया का जहाज किसके लिए यूज किया? काबुल में एक आतंकवादी को छोड़ने के लिए इतना बड़ा जहाज लेके गए। तो मोदी जी विनाश काले विपरीत बुद्धि हो चुकी है। 2024 में जाना तय है, जनता मूड बना चुकी है, इसलिए हम उनका ज्यादा जिक्र ना करें और राहुल गांधी को कुर्सी पे कैसे बिठाना है वो योजनाएं बनाएं तो बेहतर होगा। ये सतीश मनचंदा जी ने आप लोगों को बहुत ही विस्तार में बताया कि कांग्रेस को वोट देना क्यों देना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी के भी बारे में बताया, संगठन के बारे में भी बताया। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें मोहम्मद मुकीम शेख के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज और आपकी आवाज बनेगी हिंदुस्तान की आवाज। हिंदुस्तान की आवाज यूट्यूब चैनल को इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।